हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज अपन ईवीएस का चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, प्ले विथ वाटर। इससे पहले के सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, विथ आंसर कर रखे हैं। आप चैनल पे देखिए, आप इस वीडियो के पीछे जितने भी चैप्टर डाले हुए हैं ईवीएस के, कंप्लीट डाले हुए हैं मेरे, इंग्लिश के चैप्टर डाले हुए हैं, आप उनको आप जरूर देखिए। मैंने ईवीएस के बहुत सारे मॉडल पेपर डाल रखे हैं, उनको देखिए, आपके एग्जाम के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं सारे ईवीएस के चैप्टर डालने वाला हूँ, तो देखिए, प्ले विथ वॉटर, वॉटर के साथ खेलना। देखिए, वॉटर बिकम्स स्वीट व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन इट। वॉटर मीठा हो जाता है जब इसके अंदर शुगर मिक्स की जाती है। इज शुगर विजिबल टू यू इन द वाटर? मिक्स होने के बाद में शुगर क्या विजिबल होती है वाटर में, क्या दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। शुगर गेट्स डिजोल्व इन वॉटर, शुगर वाटर के अंदर डिजोल होती है, सो इट इज नॉट विजिबल इन वाटर, क्योंकि ये डिजोल हो जाती है तो ये दिखाई नहीं देती है। अपन एक एक लाइन टू लाइन चलने वाले हैं और विद आंसर आप देखना, आगे कंप्लीट आंसर भी करवाने वाला हूं। कम लेट सी व्हाट आर द थिंग्स दैट गेट डिजोल इन वाटर। तो अपन देखते हैं कौन सी चीजें वाटर में डिजोल होती हैं और कौन सी नहीं होती है। सी बाय डूइंग, इसे भी देखिए। टेक थ्री ग्लासेस, तीन ग्लास लीजिए। फिल दीज ग्लासेज हाफ विथ वाटर, इन ग्लासेज को आप हाफ वाटर से फिल कीजिए, आधा भरिए इनको। इन वन ऑफ द ग्लासेज पुट हाफ ऑफ स्पून साल्ट एंड सेक ए वाटर। एक ग्लास के अंदर आधा चम्मच साल्ट डाल के उसे सेक कीजिए, हिलाइए। इन द सेम वे, इसी प्रकार, एड ए हाफ स्पून शुगर इन अनदर ग्लास एंड थर्ड ग्लास पुट सम अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर एंड सेक ए वाटर। जो करना क्या है, आपको तीन गिलास है, एक में नमक डालना है आधा चम्मच, एक में शुगर डालना है, एक में चॉक पाउडर डालना है, और फिर इनको हिलाना है, मिक्स करना है। नाउ कीप ऑल द ग्लास स्टेबल फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए ग्लास को रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम सी व्हाट इज सीन इन ऑल थ्री ग्लासेज, ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। आप देखिए इन गिलासों के अंदर क्या होता है। देखो, इसमें एक में साल्ट डाला था, इसमें शुगर डाला था और चॉक पाउडर। देखो, शुगर और साल्ट डिजोल्व हो जाएंगे लेकिन चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं होगा। देखिए, सॉल्ट डिजोल्व हो गया, शुगर डिजोल्व हो गई, चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं हुआ है। यू नोटिस दैट सॉल्ट एंड शुगर गेट डिजोल्व इन वॉटर। आपने नोटिस किया कि शुगर और साल्ट वाटर में डिजोल्व हो गए हैं, व्हाइल चॉक पाउडर डजंट गेट डिजोल्व, लेकिन चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं हुआ है। एंड आफ्टर सम टाइम दिस चॉक पाउडर गेट कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द ग्लास, और कुछ समय बाद में ये चॉक पाउडर ग्लास के बॉटम में नीचे की तरफ जमा हो जाता है। टेक सम अदर थिंग्स एट योर होम एज सॉइल, सैंड, जैगरी। आप घर पे कुछ और चीजों के साथ ये प्रैक्टिकल कर सकते हो वाटर में डिजोल्व करने वाला। आप सॉइल डिजोल्व कर सकते हो, आप सैंड डिजोल्व कर सकते हो, जैगरी गुड डिजोल्व कर सकते हो, लाइम कर सकते हो, टर्मरिक कर सकते हो, चिली है, केरोसिन है, वैक्स है, ये सारी चीजें आप डिजोल करके देख सकते हो। विच यू दीज थिंग्स गेट डिजोल इन वाटर एंड विच डोंट, ड्रॉ ए टेबल इन योर कॉपी एंड नोट इट डाउन। आप एक नोटबुक लीजिए, उसके अंदर एक टेबल बनाइए और ऊपर जो चीजें हैं उनके एक टेबल बना के देखिए कि कौन सी चीजें डिजोल हुई है और कौन सी नहीं हुई है। डू यू नो थिंग्स सच एज साल्ट, शुगर एंड कॉफी डिजोल इन वाटर। देखो, शुगर, साल्ट और कॉफी वाटर में डिजोल्व होती है। दे आर सोल्यूबल, क्योंकि ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। दे यूजुअली डिजोल्व फास्टर एंड बेटर इन हॉट वाटर, और आपने देखा होगा गर्म पानी में चीजें और जल्दी डिजोल्व होती है। पेपर एंड सैंड आर इनसोल्यूबल, दे विल नॉट डिजोल्व इन द वाटर। देखो, सैंड है, ये मिट्टी है, जो मिट्टी होती है जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, तो ये इनसोल्यूबल होती है। क्विक डिजोल्यूशन, लेट डिजोल्यूशन, कौन सी चीजें जल्दी डिजोल होती है, कौन सी लेट होती है। व्हाइल ड्रिंकिंग मिल्क सेवरल टाइम्स यू माइट हैव नोटिस्ड रिमेनिंग शुगर पार्टिकल्स इन द बॉटम ऑफ द ग्लास, व्हाई डज दिस हैपन। आपने देखा होगा जो ड्रिंकिंग मिल्क है, कभी कभी आपने देखा होगा उसके कुछ नोटिस किया होगा, कुछ शुगर पार्टिकल्स है उसके नीचे जमे हुए ग्लास के। जब आप दूध मिल्क पीते हो तो उसमें शुगर डिजोल करते हो तो कुछ पार्टिकल नीचे जमा हो जाते हैं। सी बाय डूइंग टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन टू ग्लासेज, दो ग्लासों के अंदर, दो गिलास के अंदर सेम क्वांटिटी में वाटर लीजिए। एड वन स्पून शुगर इनटू ईच ग्लास, एक ग्लास सॉरी, एड वन स्पून शुगर, एक चम्मच शुगर डिजोल्व कीजिए प्रत्येक ग्लास के अंदर।
स्टायर द वाटर ऑफ वन ऑफ द ग्लासेज, ग्लासेज को आप स्टायर कीजिए, उसके अंदर जो शुगर डाली है उस पानी को डिजोल्व कीजिए विद स्पून, स्पून की मदद से, एंड डोंट स्टायर द अदर ग्लास, एक ग्लास को मत स्टायर कीजिए, दो ग्लास है दोनों में एक चम्मच शुगर डालिए पानी डाल के फिक्स अमाउंट में, एक ग्लास को आप स्टायर कीजिए एक को मत कीजिए। आफ्टर सम टाइम लुक एट द वाटर ऑफ बोथ द ग्लासेज, और कुछ समय बाद दोनों ग्लासेज को आप देखिए। से एंड टेल, क्वेश्चन आंसर है इन विच ग्लास लेस और नो शुगर इन सेम, कौन सी ग्लास के अंदर शुगर नहीं है, शुगर इज स्टायर विथ वाटर। देखो अभी जो अपने एक एक्सपेरिमेंट किया है उस पे क्वेश्चन नहीं है, कौन सी ग्लास के अंदर कम या नहीं है शुगर, जिसको अपने स्टायर किया उसके अंदर तो शुगर है, शुगर नहीं है, और जिसको स्टायर नहीं किया उसमें है। शुगर इज स्टायर्ड विथ वाटर, व्हाई डिड शुगर डिजोल्व लेस इन वन ग्लास, एक ग्लास में कम क्यों है, क्योंकि एक ग्लास को अपने स्टायर नहीं किया था, द वाटर इज नॉट स्टायर्ड, क्योंकि हिलाने से जल्दी डिजोल्व होती है। व्हाई डिड शुगर डिजोल्व मोर इन अनदर ग्लास, Why did sugar dissolve more in another glass? एक ग्लास में ज्यादा क्यों डिजोल्व हुई है sugar? When we stir water, the mobility of water molecule increase and as a result the solubility increase. जब अपन हिलाते हैं तो मोबिलिटी है उसमें पार्टिकल्स है उसका मोमेंट बढ़ जाता है और मोमेंट बढ़ने से क्या होती है sugar जल्दी डिजोल्व होती है और वो solubility को बढ़ा देती है। See by doing. Take two glasses made of glass. ग्लास से बने हुए दो ग्लासेज लीजिए। Pour some cold water in one glass and the same amount of hot water in the other glass. देखो अभी एक प्रैक्टिकल किया उसमें दो ग्लास है, उसमें एक में शुगर डाली, उसमें एक को हिलाया एक को नहीं हिलाया, तो हिलाने वाला जो था वो जल्दी डिजोल्व हुई। अब अपन गर्म पानी और ठंडे पानी के साथ देखते हैं, दो ग्लास लेने हैं, एक में गर्म पानी लेना है एक में ठंडा पानी लेना है और उसमें कुछ क्वांटिटी में शुगर डिजोल्व करनी है। स्टायर वाटर इन बोथ द ग्लासेज टिल द शुगर गेट डिजोल्व, नोट डाउन much time it look the getting the sugar dissolve in the glasses respectively. अब आपको देखना है कि दोनों ग्लासों को हिलाना है स्पून की मदद से। आप देखोगे जब तक आप टाइम नोट करते रहो जब तक शुगर कंप्लीट डिजोल्व नहीं हो जाओगे, तो आपने देख आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि जो गर्म है वो जल्दी डिजोल्व होगा, जो कोल्ड है वो धीरे डिजोल्व होगी उसके अंदर शुगर। से एंड टेल इन विच ग्लास शुगर डिजोल्व अर्लियर एंड विच ग्लास इट डिजोल्व लेटर, तो कौन से ग्लास में शुगर जल्दी डिजोल्व होगी कौन से में लेटर। देखो हॉट वाटर में शुगर क्विकली डिजोल्व इन हॉट वाटर एंड स्लो इन कोल्ड वाटर ग्लास। थिंक आउट राइट डाउन व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट डिजोल्यूशन ऑफ थिंग्स बाय परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, राइट डाउन योर नोटबुक। ऊपर जो एक्टिविटीज की अपने गर्म पानी के साथ में, कोल्ड पानी के साथ में अपने, और जो शुगर डिजोल्व किया एक में, स्टायर किया एक में, नहीं किया, तो ये एक्टिविटीज देखी और उसे हमने क्या नोटिस किया वो नोटबुक में लिखी। सो फार वी हैव सीन दैट देयर आर सम थिंग्स व्हिच डिजोल्व इन वाटर व्हाइल सम डोंट। अपन देखते हैं कि कुछ चीजें वाटर में डिजोल्व होती हैं कुछ नहीं होती हैं। सम डिजोल्व इन लेस टाइम व्हाइल अदर टेक मोर टाइम, कुछ चीजें जल्दी डिजोल्व होती हैं और कुछ ज्यादा टाइम लेती हैं। इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर थिंग्स डिजोल्व फास्ट इन हॉट वाटर, और आपने ये भी देखा कि कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में गर्म पानी में चीजें जल्दी से डिजोल्व होती हैं। एंड थिंग्स आल्सो डिजोल्व फास्टर व्हेन स्टायर, और इसके अलावा जब चीजों को किसी पानी या किसी सॉल्यूशन को हिलाया जाता है तो वो जल्दी डिजोल्व करता है। द सेम वे यू माइट हैव सीन दैट सम थिंग्स कीप ऑन फ्लोटिंग इन वेल एंड पॉन्ड्स ईटीसी व्हाइल सम थिंग्स गेट ड्रॉन, नाउ कम एंड सी हाउ टू थिंग्स फ्लोट और गेट ड्रॉन इन वाटर। अपन अभी जो चैप्टर ऊपर जब जितना चैप्टर हुआ है उसमें अपन ये चीजें नोटिस किए कि कौन सी चीजें डिजोल्व हो रही हैं कौन सी नहीं हो रही हैं, कौन सी जल्दी डिजोल्व हो रही है कौन सी स्लो हो रही है। अब देखते हैं कौन सी चीजें पानी में डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं। सी बाय डूइंग ब्रिंग हाफ ऑफ बकेट ऑफ वाटर इन योर क्लास, अपनी क्लास में आधे पानी की बकेट लाइए, कलेक्ट सम थिंग्स विथ योर क्लासमेट, और कुछ क्लासमेट को कलेक्ट कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ चॉक, पेन, रबर, पेपर, मैच स्टिक, स्पंज, की, कॉइन, प्लास्टिक बोतल फिल्ड विथ वाटर। एक पानी की बकेट लाइए और अब स्टूडेंट से बोलिए कि कुछ चीजें कलेक्ट करें अपने क्लासमेट से, जैसे आप चॉक कलेक्ट कर सकते हो, पेन है, रबर मिल सकता है आपके पास, पेपर मिल जाएगा, मैच स्टिक, स्पंज, की, कॉइन, प्लास्टिक बोतल, ये सारी आपके पास मिल जाएंगी। फिर इन चीजों का क्या करना है,
Put these things one by one into the bucket and see which things float and which get drawn. आपको एक एक करके इस चीजों को पानी के बकेट के अंदर डालना है और आप नोटिस कीजिए कि कौन सी चीजें डूबती है और कौन सी तैरती है. ड्रॉ ए टेबल और एक टेबल बनाइए. थिंग्स विच गेट ड्रॉन इन वाटर, थिंग्स विच फ्लॉट ऑन वाटर, थिंग्स विच डू नॉट फ्लॉट फर्स्ट एंड देन गेट ड्रॉन. कौन सी चीजें डूब रही हैं, कौन सी चीजें तैर रही हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ देर तक तो तैरेंगी फिर डूब जाएंगी. तो देखो रबर है, की है, कॉइन है, पेन, पीस ऑफ चॉक है, ये तो सारे क्या हो जाए, ड्रॉन हो जाएंगे. प्लास्टिक की बोतल, मैच स्टिक वगैरह फ्लोट करेंगे और स्पंज पेपर ये पहले तो फ्लोट करेंगे बाद में ड्रॉन हो जाएंगे. ऐसा क्यों होता है देखो. व्हेन फ्लोटेड व्हेन ड्रॉन, कब तो तैरते हैं और कब डूबते हैं. द हाफ ऑफ ए बकेट ऑफ वाटर एंड पुट ए केप्ड बॉल पेन इनटू द वाटर, सी इफ इट फ्लोट और ड्रॉन. आप एक उस बकेट के अंदर आधा पानी की भरी हुई जो बकेट है उसके अंदर एक पेन को, उसको केप बॉल पेन मतलब पूरा ढका हुआ है उसको पानी के अंदर डालिए. नाउ टेक द पेन आउट वाटर एंड दिस टाइम पुट द पेन इनटू वाटर विदाउट केप. अब उस पानी के जो आपने पेन डाला है उसको वापस निकालिए बकेट से और उसके केप को खोल दीजिए. व्हाट हैपेंड दिस, और अब पानी में डालिए और देखिए क्या होता है. टेक द पेन आउट ऑफ वाटर, पानी टेक द पेन, अब पानी से पेन को बाहर निकाली. दिस टाइम टेक द रिफिल ऑफ द पेन आउट एंड पुट द पेन केप एंड रिफिल सेपरेटली इनटू द वाटर. और अब पेन से रिफिल भी अलग कर दीजिए और सारे उसके जो खुलने वाले पार्ट है वो अलग कर दीजिए और अब एक एक करके पानी में डालिए. नाउ विच आइटम फ्लोट, और देखिए कौन से आइटम तैरते हैं. यू पुट द पेन इन वाटर डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट टाइम, सॉरी राइट डाउन योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक. अब एक पेन को कितने तरीके से आपने पानी में डाला, कब वो तैरा और कब डूबा, आप नोटबुक में लिख सकते हैं. डज द पेन ड्रॉन द फर्स्ट टाइम, पहले टाइम जब अपन ने उसको केप वगैरह कुछ नहीं खोला था. नो द पेन डज नॉट सिंक इन फर्स्ट चांस, पहले नहीं डूबा. विच आइटम गॉट ड्रॉन एंड विच फ्लोट यू पेन केप एंड रिफिल सेपरेटली इनटू वाटर. जब इनको सेपरेटली डाला तो कौन सी चीज डूबी और कौन सी तैरी. The empty pen and its cap floats while the refill sinks. जब पेन था वो तो तैरने लगा, उसका केप भी तैरने लगा, लेकिन रिफिल है वो डूब जाती है. In which position the empty pen drowns? Try out find the happens so. The empty pen drowns in inclined position because since water enter the pen its weight increase. जब inclined position में आप उसको अंदर डालोगे तो क्या होगा, पानी उसके अंदर चला जाएगा और पानी अंदर जाते ही वो क्या होगा, भारी हो जाएगा और वो पानी में डूबने लग जाएगा. देखो कॉमन थिंग्स सच एज रॉक्स, कॉइन्स, सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, हैंड ग्रेनेड्स, ऑक्सीजन टैंक्स, बेबी पिंस एंड टिन कैन सिंक इन वाटर. ये सारी चीजें सिंक करती हैं. व्हाइल टेनिस बॉल, फिश स्केलेटन, स्केलेटन कंकाल को बोलते हैं, प्लास्टिक बोटल्स, डक्स, वुड, स्ट्रॉ, मार्शमेलो एंड बॉडी फैट फ्लॉट ऑन वाटर. ये चीजें जो हल्की चीजें होती है वो पानी में क्या होती है, तैरती है. डू दिस आल्सो, टेक हाफ ऑफ ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट ए लेमन इनटू इट. ये भी करके देखिए. अभी अपने तैरने वाली चीजें देख ली, डिजोल्व होने वाली देख ली, अब क्या करना, आपको एक ग्लास में हाफ पानी डालिए और उसमें लेमन, पुट ए लेमन, उसमें लेमन रखिए. नाउ एड ए पिंच ऑफ साल्ट ग्रेजुअली इनटू द ग्लास. आफ्टर एडिंग 3-4 पिंच ऑफ साल्ट व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस द ग्लास एंड व्हाट हैपेंड, sorry, when did the lemon float and when did it get drawn. अब आपको क्या करना है, एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें लेमन डालना है, नींबू डालना है, और अब क्या कीजिए, उस नींबू लेमन को बाहर निकालिए और उसमें 3-4 पिंच नमक की या साल्ट की उस पानी में डिजोल्व कर दिए. अब वापस उसके अंदर वो डाल के देखिए लेमन, अब देखिए अब क्या चेंज आता है उसके अंदर. Which floats to the top. अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जब नमक उसमें डिजोल्व कर देगा तो क्या होता है, पानी भारी हो जाता है, तो वो ज्यादा ऊपर रहेगा लेमन. पहले कुछ डूब रहा था लेकिन अब ज्यादा नहीं डूबेगा, वो ज्यादा ऊपर रहेगा पहले के कंपैरिजन में. विच फ्लोट टू द टॉप, टेक ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल टू ग्लास और प्लास्टिक. एक ट्रांसपेरेंट बोटल लीजिए, ग्लास की या प्लास्टिक की, सो दैट थिंग्स कैन बी सीन थ्रू, जिसके अपन आर पार दिखाई दे सके. Fill the bottle half with water. अब पानी की बोतल, उस बोतल को हाफ पानी से भरिए. Now put 8-10 drops of oil into it and cap the bottle. बोतल को आधा पानी से भर दीजिए
और उसमें 8 से 10 10 ड्रॉप्स ऑयल की डालिए और उसको कैप बंद कर दीजिए। नाउ सेक इट वेल। अब पानी को उसको अच्छे से हिलाइए। सी व्हाट इज सीन इन द बोतल। बोतल में क्या दिखाई देता है। नाउ लीव द बोतल अनसेकन फॉर सम टाइम। और अब क्या करो, बोतल को कुछ देर के लिए रख दो। हिला दिया आपने बोतल को, अब रख दो। नाउ सी व्हाट हैपन, और आप देखते हो क्या होता है। देखिए, डिड द ऑयल डिजोल इन वाटर। नहीं, कभी डिजोल नहीं होता है ऑयल। ऑयल डज नॉट डिजोल इन वाटर। वेयर इज द ऑयल सीन इन द वाटर। ऑयल पानी में कहां रहता है, हमेशा ऊपरी सरफेस पे रहता है। द ऑयल फ्लोट इन द अपर लेयर ऑफ वाटर। यू माइट हैव आल्सो सीन ऑयल floating in pulses vegetable in bowl. Why does this happen? Oil is lighter than water and does not dissolve in it. देखो, घर पे अपन जब खाना वगैरह बनाते हैं तो आप सब्जी में देखते हो कि ऑयल हमेशा ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल लाइट वेट होता है पानी के कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। और जो चीज लाइट वेट होती है वो हमेशा सरफेस पे फ्लोट करेगी। वन डे व्हेन द मिल्कमैन कॉल्ड मदर सेंट सलोनी अलोंग विद ए कंटेनर टू ब्रिंग मिल्क। एक दिन क्या होता है, मिल्कमैन बोलता है मदर से, सलोनी उसके साथ में होती है और कंटेनर जिसको अपन जिसमें मिल्क लाते हैं, मिल्क लाने जाते हैं दोनों। व्हेन अंकल द मिल्कमैन मेजर्ड द मिल्क इन लीटर एंड गेव इट द सलोनी। तो जब वो मिल्कमैन है जो दूध वाला है, वो मिल्क को मेजर करता है किसमें, लीटर के अंदर। तो सलोनी तुरंत बोलती है, अंकल द शॉप कीपर गिव अस शुगर राइस पल्सेस व्हीट इटीसी मेजरिंग इन किलोग्राम। तो वो सलोनी है, वो बोलती है, अपनी मदर के साथ गई थी तो वो बोलती है कि अंकल, जब हम बाहर से शॉप से शुगर राइस पल्सेस व्हीट ये लाते हैं तो शॉप कीपर हमें किलोग्राम में तोल के देता है, वेट करता है, और आप लीटर में क्यों कर रहे हो। तो अंकल बोलता है, डियर The major milk kerosene, it is a liquid things in liter. तो वो बोलता है कि जितने भी लिक्विड की चीजें हैं, लिक्विड वाली चीजें सारी लीटर में मेजर की जाती हैं। These day milk is also sold in bottles. This is also measured in liter. और बोतल के अंदर भी जो चीजें आती हैं वो लीटर के अंदर आती हैं, क्योंकि लिक्विड की सारी चीजें हैं वो लीटर में आती हैं। Discuss and tell. Bring water bottle, milk pack और oil packet. The discuss in the class about information. Like quantity, price, manufacturing, etc. Right on. आप घर पे देख सकते हो ऑयल की पैकिंग होती होगी या मिल्क की पैकिंग है, उस पे देखिए उस पे कितनी क्वांटिटी है वो लिखा होता है, उस पे प्राइस लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कब वो बना है, कौन से डेट को वो पैकिंग हुआ है उसकी डेट लिखी होती है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इट इज सेड फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर। व्हाई इट इज सेड, ऐसा बोला जाता है कि फ्रेंडशिप मिल्क और वाटर की तरह होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो वाटर और मिल्क जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे को पता भी नहीं चलता, वाटर का पता भी नहीं चलता कि उसमें वाटर है। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्रेंडशिप मिल्क और वाटर की तरह होती है। व्हाट हाउस होल्ड आइटम्स ब्रॉट एट योर होम आर मेजर्ड इन किलोग्राम। कौन सी घर पे ऐसी चीजें हैं जो किलोग्राम में मेजर की जाती है। राइस है, शुगर है, फ्लावर है, वेजिटेबल है, ये सारी किलोग्राम में मेजर की जाती है। What household items brought at your home are measured in liter. लीटर में कौन सी चीजें मेजर की जाती है, जो लिक्विड है, मिल्क है, वाटर है, घी है, ऑयल है, बटर मिल्क है, etc. Take this also. Take 3 to 4 empty utensils different type. Use the liter bottle. Pour water in these utensils and see how many liters of water can be contained each utensils. आप बोतल घर पे जितने भी सारी चीजें हैं उनको आप देख सकते हो कितना क्वांटिटी है, जैसे बाउल है, जग है, बकेट है, कढ़ाई वगैरह है, तो आप ये मेजर कर सकते हो। टेक हाफ ए बकेट ऑफ वाटर, पुट इन आल्पिन इनटू इट। एक हाफ बकेट वाटर का लीजिए और उसमें आल्पिन डालिए। सी व्हाट हैपन, आप देखो क्या होता है। नाउ टेक द आल्पिन आउट ऑफ वाटर एंड प्लेस इट ऑन पीस ऑफ पेपर। अब आल्पिन को एक पेपर पे रख दीजिए और फिर पानी में डालिए। Slowly and surface on the water. Look the it for sometimes what happen. If you want, you can also remove the paper with the help of another alpin. देखो, आप alpin को पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन जब पेपर को आप रखोगे और उस पे alpin रखोगे तो फिर वो नहीं डूबती है, क्योंकि surface area बढ़ जाता है। देखो, ये chapter की exercise है, ये मैंने करा रखी है, आप इसको note कर सकते हो। Complete answer मैंने लिखा रखे हैं, देख सकते हो आप। Examination type question है ये। देखो, आप वीडियो को पॉज करना और सारी चीजें मैंने
आंसर दे रखे हैं, तो वो आप आंसर लिख लेना इनको अपने नोटबुक में। और नेक्स्ट चैप्टर भी अपन करेंगे, वीडियो आप कंप्लीट देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो क्लासमेट है उनको भी बताइए, क्योंकि आप उनको बताओगे तो पता लगेगा और उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।